प्रिंस, ये लो पैसे, बिजली का बिल भर देना। हाँ बस अभी जाता हूँ, एक चैप्टर रह रहा है, बस वो कंप्लीट करके चला जाता हूँ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या मैंने क्या बोला? अभी के अभी जाके ना बिजली का बिल भरो, करवाओ तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। नखरे देखो तुम्हारे आसमान छू रहे हैं, काम धाम तुमसे कुछ होता नहीं है। अरे यार चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं, ये घर मैं चलाती हूँ और ये घर ना मेरे पैसे से चलता है। 2 साल हो गए तुम्हें यहाँ पर घर में बैठे बैठे, और 2 साल से मैं कमा के ला रही हूँ, मैं ये घर चला रही हूँ। तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल होता है घर चलाना? 2 साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते करते, घर पे बैठे हो तुम। लेकिन साक्षी जो मैंने करा तुमसे पूछ के करा है, तुमने बोला था जो तुम्हारा मन है वो करो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो करो, अगर तुम्हारा बुक लिखने का मन है तो तुम बुक लिखो, तुमने बोला तभी मैंने ये स्टार्ट किया, और अब तुम ही ड्रामा कर रही हो। हाँ बोला था मैंने, लेकिन मुझे ये लगा था कि ये सब चीजें सिर्फ 5-6 महीने चलेंगी, 5-6 महीने में तुम्हारी ये सो कॉल्ड सी बुक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद पब्लिश हो जाएगी, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे झेलना पड़ेगा, तुम मेरे सर पे बोझ की तरह बैठे रहोगे। अगर तुम्हें मेरे से इतनी प्रॉब्लम है तो तलाक दे दो ना। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी डिवोर्स। वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ रहना कौन चाहता है जो अपनी बीवी पे बोझ बना हुआ हो। अभी जाके ना मैं एडवोकेट से बात करती हूँ, फिर डिवोर्स के पेपर निकलवाती हूँ। अरे यार ये अपनी फाइल तो यही भूल गई। क्या हुआ साक्षी, इतनी टेंशन में क्यों? मुझे बताओ कोई परेशानी है तो। नहीं सर कुछ नहीं, वो मैं बस काम ही कर रही थी। अरे तो मुझे बताओ तो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी परेशानी समझूंगा, बताओ क्या हुआ है? सर क्या बताऊँ, ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, बस मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, हमारे बीच ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अरे बस इतनी सी बात, हस्बैंड से लड़ाई? अरे मैं हूँ ना, ये सब तुम घर पर छोड़ के आया करो, मैं अभी तुम्हारा मूड फ्रेश करता हूँ, एक बढ़िया सी ड्रिंक बना कर लेके आता हूँ, ठीक है ना? अभी लाता हूँ। नहीं सर आप क्यों इतनी प्रॉब्लम लेंगे, एक काम करती हूँ ना मैं ले आती हूँ ड्रिंक। अरे तुम लाओ या मैं लाऊं, बात तो एक ही है ना, और वैसे भी मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, दोस्त हूँ, मैं लेकर आता हूँ। आज देखता हूँ इसको मेरे से कौन बचाता है। तो गई। ये लो साक्षी, बहुत प्यार से बनाकर लेके आया हूँ मैं ड्रिंक, पियो। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ? अरे पियो ना। बस यही तो मैं चाहता था इतने दिनों से, कब तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा पाऊं मैं। अरे वाह साक्षी है तुम्हारे पास। ओए! तू कौन और तू अंदर कैसे आया? मैं इसका पति। तेरे मुझे चाटा मारा। साक्षी 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 ठीक हो तुम? क्या हुआ मुझे? अरे इसने तुम्हारी क्वालिटी में कुछ मिला दिया था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब सब सही है, आओ तुम घर चलो। हाँ मुझे याद आया, वो जब बॉस ने ड्रिंक पिलाई थी ना उसके बाद से बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है।
तुम टेंशन मत लो, चलो। प्रिंस रुको, वो मुझे ना खेड़े वॉश वॉश नहीं चाहिए, और मैंने ना वो सब बस गुस्से में बोल दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ना सच में ना उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम चलो मेरे साथ, चलो।